Hey guys, what's up? This is Gomsi. Welcome back to my channel. You are watching now Gomsi TV. So guys, आज है day 6 in Mumbai. तो अभी हम अमरनाथ में और हम जा रहे हैं बारवी डैम. तो बारवी डैम जाने से पहले मैं आपको बारवी डैम के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ. तो ये महाराष्ट्र राज्य के थाने जिले के बदलापुर के पास एक मिट्टी का डैम है जिसको बारवी डैम कहा जाता है. और इस डैम से पूरे बदलापुर में पानी सप्लाई होता है. और मैं रेडी हो चुका हूँ. तो ये मैं रेडी हो चुका हूँ. अब आप सोच रहे हो ये कैसे रेडी हुआ, क्योंकि वहाँ पे जाके हम नहाएंगे भी. तो मैंने सोचा सर भाई ऐसे ही चलते हैं, क्या रेडी होना, तो मज़े करते हैं वहाँ जाके. भाई अब हम जा रहे हैं बारवी डैम के लिए रेडी वेडी होके, और सारे जा रहे हैं स्कूटी पे. तो मेरे को भी इसी पे बैठना है ना, ट्रिपला करते हुए. ट्रिपला तो बारवी डैम अमरनाथ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है. तो सबसे पहले तो हम स्कूटी में पेट्रोल डलवाते हैं और 8 लोगों के ग्रुप के साथ चलते हैं बारवी डैम. तो थोड़ी दूर तक ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे हमें रास्ते में दिखी एक फेमस शॉप रेस्टोरेंट, जो कि है वड़ा पाव का, जो काफ़ी फेमस है यहाँ के एरिया में और कल्याण तक फेमस है. और तो अभी हम करवाते हैं यहाँ से पैक, और यहाँ को पैक करवाने को बोलते हैं पार्सल. तो पार्सल करवाते हैं, फिर वहाँ पे खाएंगे बारवी डैम के पास. तो नॉर्मली वड़ा पाव 10 रुपये में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे 15 रुपये का वड़ा पाव है, लेकिन वर्थ इट है भाई. तो वड़ा पाव पार्सल करवा के हम दोबारा निकल जाते हैं बारवी डैम के सफ़र के लिए. भाई कहाँ से जा रहे हैं हम अंदर रास्ते से? ओह जंगल देखना है हम. वड़ा पाव वहीं खाएंगे ना. तो पहुँच तो चुके हैं हम, और यहाँ पर ही है पीछे बारवी डैम. अरे अरे ये कहाँ जा रहे हैं हम, ये बारवी डैम तो है ही नहीं. तो जहाँ पे हम आए हैं ये बारवी डैम तो नहीं है, लेकिन बारवी डैम का ही बहता हुआ पानी है जो बारवी डैम के पास है. तो बारवी डैम हम इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ का पानी थोड़ा ज़्यादा गहरा था और मुझे और विशु को तैरने नहीं आता, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए. पहुंचने के बाद यहाँ पे डिसाइड हो रहा है कि पहले नहाएं या पहले खाएं. वो कुछ लोग बोल रहे हैं पहले खा लेते हैं फिर नहाते, कुछ लोग बोल रहे हैं पहले नहा लेते हैं फिर खाते हैं. मेरे को तो भूख लग गया, पहले खाते फिर नहाते हैं. तो अभी हमने भाई वड़ा पाव खा लिया है, पेट भर गया, मजा आ गया. तो अब जाते हैं इस मजे को डबल करने वाटरफॉल में. तो गाइस अभी नहाने जा रहे हैं फिलहाल, और गिम्बल से ब्लॉगिंग हो रही है, और अभी जा रहे हैं हम थोड़े उड़ी मार के बीरोस लेने. क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे है गगन, क्यों मचलता है मन, ना तुम जानो ना.
तो हमने बहुत मजे किए है और अब नहा लिए है, सारे रेडी हो चुके हैं नहा के और बस बाकी मैं और रिशु भी बच्चे हैं, तो अभी हम चलते हैं कपड़े वपड़े पहनते हैं। तो हम रेडी वेडी हो चुके हैं नहाने के बाद। ये भाई ने रेलवे पे पहले काम किया है। भाई चाय चाय खट्टी मीठी गोली दाल बड़े दाल बड़े चुप चुप अंडा ब्रेड अंडा चने वाले चने चने दाल बड़े चुप हो जा सातवीं फेल चुप। काफी ज्यादा मजा आया यहाँ पे, जैसा मतलब एक्सपेक्ट किया था उससे काफी ज्यादा मजा आया। और जो मतलब हमें देखते ही ऐसा लग रहा था कि ज्यादा गहरा होगा, इतना भी गहरा पानी नहीं था, इतना था बस गर्दन तक, बस बोल रहा हूँ गर्दन तक। थोड़ा और गहरा होता तो भाई डूब ही जाते, और एक दो बार तो भाई पैर भी फिसल गया था, घुटने उठने में भी लग गई थी क्योंकि पत्थर बहुत फिसलने आके। तो जो भी आए तो थोड़ी केयर कर लेना अपनी भाई। तुम जानो ना